असुर्या नाम से लोका अंधेन्तम सव्रतः कान्ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति ये केच आत्महनो जनः लोकहीन ऐश्वर्य से अंधकार में आत्महनन जो कर रहे उनको पाते बंध। आगे बहुत सुंदर भैया, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और इनको प्रयास करना है, विवेक जी तो आज नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने कहा है, कुछ समस्या होगी और इनको पढ़ना है। बताइए। सर गुरु जी, मेरा एक सवाल था। यार पहले अरे पाठ हो जाए, समय से वो भी होगा, आपको पाठ करना है तो करिए पहले, जो अगला मंत्र जो इन्होंने दिया है उसके बाद पहुँच रहा हूँ। मंत्र कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है बताओ भाई, इनको क्या समस्या है। तो उसमें से ये बात चल रहा है और उसकी आप उसे मंगवा सकते हैं, लिंक में ही सारी जानकारी दी हुई है, गौरव जी का नंबर है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, सारी बातें कर सकते हैं। और उसके अलावा आज का मंत्र तो मैंने शेयर भी कर दिया है ग्रुप में, वहाँ भी खोल के आप देख सकते हैं। अच्छा, चार नंबर वाला जी। चतुर्थ मंत्र की आज व्याख्या होगी, तो इसकी शुरुआत करते हैं। ओम अनेज देगम वंशो जवीयो नाएन देवा आप्नुवत् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान अतीयेति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा ददाति। मंत्रात् अनेज कंपन रहित एकम एक ही अदित्य मनसो मनन विचार से जवीयो गतिशील वेगवान है, एनत इस पूर्वम पूर्व अर्षत अर्षत गतिमान को देवा देव प्रकाशमान न नहीं आपनुवत पा सके, तद वह धावतो दौड़ते हुए अन्यान अन्यों का अधियेति अधिक्रमण कर निष्ठित स्थित है, तस्मिन उसमें अपो पानन करने वाला मातृश्वा मातृ स्वा मातृ सेवी ददाति धारण करता है। भावार्थ परमात्मा एक ही है, वह कंपन रहित है, मन से भी अधिक वेगवान है, कोई कितना भी दौड़े भागे उसकी सीमा का ज्ञान नहीं कर सकता है, वह पूर्व ही सर्वत्र उपस्थित है, अतः कोई जहाँ तक भी विचार कर सकता है वहाँ और उससे भी आगे परमात्मा वर्तमान होता है। निरुक्त एज धातु का अर्थ होता है चलना कंपन करना, एकम संख्या है मनन मनसो में मन, मन का अर्थ है मनन करना स्वीकार करना विचार करना, जवियो में जो धातु है जिसका अर्थ होता है गति करना शीघ्रता से चलना, इसके अलावा देव देवा में देव धातु है जिसका अर्थ है प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना, आपनुवन में आप जिसका अर्थ होता है जाना प्राप्त होना व्याप्त होना, इसके अलावा अर्षद में ऋष धातु है जिसका अर्थ होता है गति करना और वही धातु है जिसका अर्थ होता है उसका व्यर्थ गति करना, उसके अलावा धावतो धावतो में धाव धातु है जाना दौड़ना भागना स्वच्छ करना, वह ई का अतिथि में अति का उपसर्ग है, ई का अर्थ होता है जाना निष्ठित इष्ट स्थित होना, अपो में अप अर्थात जाना पालन करना, मातृविश्वा में माँ का अर्थ है मान करना तुलना करना, अश्वि का अर्थ है जाना वृद्धि होना, स्वच्छ का अर्थ है श्वास लेना, ददाति का अर्थ है धारण करना पालन करना अथवा देना। तो ये इस मंत्र की व्याख्या हुई, किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आज के मंत्र का अर्थ तो अच्छे से समझ में आया, लेकिन यह मंत्र हमें संदेश क्या दे रहा है, इसमें कही गई बातों को अपने जीवन में लागू करने से क्या उपयोग, मतलब क्या उपयोगिता है इसकी? गुरुजी आपका माइक बंद है। संदेश जानना चाहे वो तो हम बता रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे थे कि किसी का और कोई सामान्य सा प्रश्न है जैसा दैनिक प्रतिदिन हम लोग करते हैं, तो कोई ऐसी बात हो तो पहले हम उसको भी कर दें, संदेश हम बाद में भी रख सकते हैं या कुछ नहीं है तो हम इसी को बताते हैं। किसी और का कोई प्रश्न है ना? नहीं है, ठीक है, हम आपको इसका संदेश बताते हैं और जो भी जानकारी हम आपको देंगे इस बारे में। ये
किसने बताया? अनेजत एकम मनसो जमीयो नएन देवा आपनमन पूर्वम अर्षत तत धावतो अन्याने अत्येति तिष्ठत तस्मिन अपो मात्र स्वादथा। काव्यात्मक वर्णन है परमात्मा की असीमता का। हम कहते हैं ईश्वर असीम है, अनंत है। इसमें उस सत्य का काव्यात्मक सुंदर वर्णन किया गया है, इसी को काव्य कहते हैं। इसीलिए वेद काव्य है, उसका ही आनंद है। कहते हैं कि वो मन के समान गतिमान हो सकता है और स्थिर भी हो सकता है। अनिजत एकम मनसो जमीयो आपका मन था, तो इसका जो काव्य अनुवाद है ये संभव नहीं पढ़ा गया। तो बल्कि जिसको पढ़ा था काव्य अनुवाद नहीं जी, पूरे का ही पढ़ा था मैंने। अच्छा, ये है ना, गति ही ने वही मन की गति में किसको तो देव भी पा न सके, सुस्थिर रहकर सबसे आगे सब वेगवान को कर पीछे उसमें ही अपहमा तेरे स्वा। यही काव्य सौंदर्य है, विरोधाभास अलंकार। यदि आप में साहित्य के विद्यार्थी हैं तो वो इसे उस रूप में समझने का प्रयास करें। ये विरोधाभास अलंकार, ये विरोधाभास अलंकार क्या होता है? एक प्रकार से कहने में आपको उसमें विरोध लगेगा, ये विरोधी बात नहीं जा रही, परंतु वह विरोधी होती नहीं है। दोनों ही बातें सत्य हैं, लेकिन सहज भाव से सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि दो बिल्कुल विपरीत बातें कह रही हैं। तो क्या कह रहे हैं? गतिहीन वही मन की गति में, परमेश्वर परमात्मा हमारा कैसा है कि वो गतिहीन है, वो अचल अविचल है, वो कभी गति नहीं करता। वो कैसे गति करेगा भाई? वो सदा सर्वत्र व्याप्त है, तो कभी कहां करेगा, है ना? जो सीमित है, हमारा शरीर एक निश्चित छोटा सा आकार में सीमित है, हम इस स्थान से चलकर वहां पहुंच जाएंगे। ईश्वर सदा सर्वत्र व्याप्त है, वो कहां से चलकर कहां जाएगा? उसके चलने के लिए तो कोई स्थान से ऐसा ही नहीं, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वो गतिहीन है। इस रहस्य को समझना, विरोधाभास अलंकार के कुत्ते को सुलझाना, यही ईश्वर के उस स्वरूप को स्पष्ट करेगा आपके समक्ष। ठीक है, तो ईश्वर गतिहीन कैसे है, इसमें ये बात हम समझ रहे हैं कि वो सर्वत्र सदा व्याप्त है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब वो गतिहीन है, निश्चल है, तो क्या वो चेष्टाहीन हो गया? उसके अंदर गति के सामर्थ्य नहीं है, वो जड़ हो गया? नहीं, मन की गति में, मन की गति में, मनसा जमी, वो तो अनेजत है, गति तो क्या कंपन भी नहीं कर सकता। गति में स्थान परिवर्तन होता है, कंपन में उसी स्थान पर वो थोड़ा सा हिल जाए, कंपन कर जाए, तो कह रहे हैं वो परमात्मा को कंपन भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सदा सर्वत्र व्याप्त है, उसके कंपन करने के लिए भी कोई स्थान से ऐसा है ही नहीं, तो वो कंपन भी नहीं करेगा, कोल स्थिर रहेगा। लेकिन मनसो जमीयो, वो मन से भी अधिक गतिमान है। हम लोग कहते हैं मन की गति सर्वाधिक है, प्रकाश की गति तो हमने जाना कितनी है, परंतु मन की गति तो उससे भी बहुत है। हम यहां बैठे हैं, तुरंत हम मंगल ग्रह के बारे में कुछ सोचना प्रारंभ करते हैं, तुरंत मंगल ग्रह पर पहुंच गए। पृथ्वी पर दूर से दूर जो भी स्थान, ब्रह्मांड में दूर से दूर कोई भी स्थान, हमने यहीं बैठे बैठे सोचा और तत्काल वहां पहुंच गए। प्रकाश को वहां तक पहुंचने में हो सकता है सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाए। कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर कौन कौन से तारे हैं, अब लोगों ने पढ़ा होगा। तो जहां प्रकाश को भी पहुंचने में हजारों वर्ष लग जाए, लाखों वर्ष लग जाए, मन को वहां पहुंचने में भी एक पल नहीं लगता, तो मन की इतनी गति है। तो वो परमात्मा जो कंपन भी नहीं कर सकता, वो मन से भी अधिक तीव्र गति वाला है। कैसे? आप कोई भी कितना भी भाग दौड़ करके जहां से वहां कहीं भी पहुंचे, वो तो सदा सर्वत्र वही रास्ता है, वही उपस्थित है, तो आपसे पहले वो वहां पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने सामने कह सकते हैं, अपने सामने से कि हम अगर कहीं सोचेंगे चल करके कहीं पहुंचेंगे, तो वहां को परमात्मा पहले से उपस्थित मिलेगा। तो यहाँ हम है, यहाँ भी वो था, मन के गति से हम कहीं पहुंचे, वहां भी वो पहले से है, तो उसकी गति तो मन से भी अधिक हो गई ना। तो इस रूप में कहा गया
कि वो कंपन भी नहीं कर सकता, परंतु उसकी गति तो हमसे भी अधिक हो गई हमारी तुलना में, अगर हम कहीं जाकर उसे पहुंचना पाना चाहें। ठीक, तो इसी बात को अगली पंक्ति में थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। नयन देवा नमन पूर्व हर्षद, इसको देवा देवगण पहले कितना भी कभी करके ना आप लोग नहीं पा सके, ना ये ना इसको देवगण नहीं प्राप्त कर सके, पहले कितने भी कभी करे नहीं प्राप्त कर सके। अब यहाँ देवा का आशय क्या हुआ, दोनों वर्ण देख लें। जब हम कहते हैं कि सप्त ब्राह्मण आदि ग्रंथों के अनुसार विद्वांसो वे देवा, जो पृथ्वी पर मनुष्यों में विद्वान है वही देव है, इस अर्थ में भी देख लें। वो कहता है कि हम कितने भी विद्वान हो जाएं, परमात्मा का रहस्य पूरी तरह से जान पाएंगे, परमात्मा को हम पूरी तरह से समझ पाएंगे, तो कहा गया नहीं भाई ये तो नहीं, हमें मानकर चलना चाहिए कि भाई उसकी विराटता को पूरी तरह से पकड़ पाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के सामर्थ्य सीमित है। परंतु फिर मैं यहां आपको इससे हट करके स्पष्ट करना चाहूंगा, वेद का मंत्र दावे से कहता है वेदाहमेदम पुरुषम महंतम, इस महान पुरुष को हमने जान लिया है। वेद ये नहीं कहता कि उसे जाना समझा जा ही नहीं सकता कि बस आंख बंद करके मान लो, नहीं, वेद कहता है कि ईश्वर को मानो ही नहीं जानो भी उसे जानना पड़ेगा, और आप उसे जान सकते हो इसका विश्वास दिलाता है। वेदाहमेदम पुरुषम महंतम आदित्यवर्णम तमसा प्रस्थान, वो कह रहा है उस आदित्य परमेश्वर को हमने जान लिया है, अर्थात हम अपने विवेक से साधना से स्वाध्याय से उसको जान भी सकते हैं। वेद आश्वस्त करता है कि यदि वेद का स्वाध्याय करेंगे तो उसे जान भी जाएंगे, पर मुझे विनम्रता तो होनी ही चाहिए कि हम इतने बड़े विद्वान इतने योग्य कभी नहीं हो पाएंगे कि हम कह दें नहीं नहीं साहब हम तो परमात्मा को पूरी तरह से जान समझ गए, इतने विराट ब्रह्मांड को समझना हमारे लिए संभव नहीं है, और उससे भी बड़े परमात्मा को कैसे जान लेंगे, तो इस बात को हमें समझना है। ये इसका संदेश संभवतः आ गया, बात ही इसकी थी, एक तरह से अर्थ करना पड़ेगा। वही कहते हैं कि तद धावतो अन्यान अति यदि निष्ठत, कोई कितना भी दौड़ता हुआ चला जाए, इसे देवों के लिए कहा। अब देव में से कहा प्रकाशमान है तो सूर्याद को भी देव कहा गया, आप यहां पर कह लीजिए सूर्य के किरणों को प्रकाश को देव कह लीजिए, देव का अर्थ देव धातु का अर्थ तो प्रकाश ही है मुख्य रूप से, वैसे तो नहीं कर पाए। तो वो कहा गया कि प्रकाश को भी यदि आप देव मान लें तो प्रकाश की गति से भी अधिक मन की गति और उससे भी अधिक वो उसका विराट स्वरूप, तो कैसे प्रकाश भी पा सकेगा उसे, छोटी बात हो गई। तो कहते हैं प्रकाश भी मनुष्य क्या कुछ कर सकता है, यदि प्रकाश भी अधिकतम वेग से दौड़े धावतो तब धावतो अन्यान गति यदि दृष्टत, तो उससे आगे तो नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर उस परमात्मा की बात करें कि कोई कितने भी तेज दौड़ रहा हो, मान लीजिए प्रकाश की गति से चल रहा हो, प्रकाश ही चल रहा हो, तो भी क्या वो प्रकाश की गति से चलकर उस तक पहुंच सकता है, उसकी गति की सीमा में परमात्मा आ सकता है। तो इसको भी वही एक काव्यात्मक वर्णन अलंकारिक रूप से समझिए, जो काव्य चमत्कार है वही कह रहा है, कोई प्रकाश की गति से भाग रहा है, जहां भी वो पहुंचेगा परमात्मा उसकी गति का आक्रमण करके उसके आगे मिलेगा। ठीक बात है, वो प्रकाश की गति सर्वाधिक मानी जाती है, अब तक जितनी जानकारी हम लोगों को है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक गति प्रकाश की है, उससे अधिक हम मन की गति मानते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है इसलिए है। तो कह रहे हैं कि प्रकाश की गति से भी अगर हम भागेंगे तो वे जहां भी पहुंचेंगे तो परमात्मा उस गति का आक्रमण करके उससे पहले वहां उपस्थित मिलेगा, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। ध्यान देने वाली बात यही है, इस मंत्र में कहीं ये नहीं कहा गया कि परमात्मा सर्वव्यापी है। एक काव्यात्मक अलंकार इस वर्णन में आपको कितनी अच्छी बात बताने का प्रयास कर रहा है, विरोधाभास अलंकार के माध्यम से परमेश्वर के अनंत होने के असीम होने के भाव को व्यक्त कर रहा है, इस मंत्र का केवल भाव है। अब संत में वही बता दिया, दसवें नको मात्र स्वा लगा दी, उसमें चाहे अपा है या मात्र स्वा है या कुछ भी है, ये सब वेद में मंत्रों में देवता अर्थात वर्ण विषय या उसके गुणवाक्य स्वरूप कुछ भी कह लीजिए, उसे में सब कुछ है ये कहा गया, उस परमात्मा में ही सब कुछ समाहित है। मैं थोड़ा विराम ले रहा हूँ, जान पूछ कर क्या कोई प्रश्न करेगा, हम बता रहे जा रहे थे, लेकिन मेरा मन है ये किसी के मन में मेरे विचार से प्रश्न आना चाहिए जो आगे बताना चाहिए। किसी के पास कोई प्रश्न है बताइए। किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है? हाँ गुरु जी, मेरे पास एक प्रश्न है। ईश्वर सर्वव्यापी है, मतलब सब जगह उपस्थित है, ठीक है,
तो हम उन्हें ध्यान के माध्यम से पा सकते हैं या मंदिर जाना आवश्यक है या समाधि लगाना आवश्यक है? ये बहुत बात है, हम लोग केवल मंत्र पर चर्चा कर रहे हैं, इसको थोड़ा बात भी लेंगे। हमारे कहने का आशय है कि जो बात अभी हमने बताई हो कोई सब कोई बात कोई है, अभी उसके मंत्र को पढ़ने पूरा कर ले, इसकी चर्चा थोड़ा बाद में हो सकती है। है उसी से विशेष हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप इसे अंतर ना हो ठीक, इस मंत्र से सब अगर हो तो बताए। चलिए कहीं से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, थोड़ा आपको यही बोल देना चाहिए कि नहीं हमारे पास कोई प्रश्न नहीं है। इसमें अंत में जो शब्द आए हैं अपाह मात्र स्वा तथा तो धारण करना उसमें होना सामान्य सी बात है, तस्मिन उसमें ये भी सामान्य सी बात है, इस पर मेरे विचार से कुछ लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए था। यदि आपने नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, तो भी सामान्य रूप से ये समझें हम यही चाहते हैं जब आपके मन में प्रश्न उठेंगे आप उस पर चिंतन करेंगे उसके बाद पूछेंगे तब उस बात का महत्व उसकी गरिमा उसका लाभ बढ़ जाएगा। ऐसे हमने आपको बता दिया वो आनंद नहीं आएगा, उसका वो महत्व नहीं होगा, उतना लाभ करेगा आपके लिए संभव था वो नहीं होगा। अपाह इन्होंने बड़ा ही है पालने धाम से पालन करना, इन्हीं गुण है उसके बाद मात्र स्व आना है, मात्र स्व शब्द को थोड़ा सा समझना आवश्यक था। इसके अर्थ विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से भावार्थ करने का प्रयास किया है, मैं स्पष्ट करूं इस शब्द का अर्थ तो कभी नहीं बदलता, कोई भी कितना भी विद्वान कुछ भी करे शाब्दिक अर्थ तो वही रहेगा, भावार्थ में कभी कभी कुछ अलग बातें आ जाती है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं शब्द आप समझ लें तो सबका भावार्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। जो समानता देखने में लोगों को विरोध लगता है उसी को हम विरोधाभास अलंकार भी कह रहे हैं, कि देखने में विरोध प्रतीत होता है पर होता नहीं। तो ये विद्वानों द्वारा अलग अलग किए गए अर्थ के विषय में भी मैं आपसे कहूँ, एक विद्यार्थी के रूप में कभी आप ये न सुनिए कि इस गुरु जी का अर्थ ठीक है उस गुरु जी का अर्थ ठीक नहीं है, सबका ठीक है, समानता लोगों ने शब्दार्थ नहीं दिया है केवल आवाज नहीं दिया है, इसलिए आपको प्रण होता है कि दोनों के अर्थ में कुछ अलग है और किसी गुत्थे को आपको सुलझाना है, जब आप शब्दार्थ समझेंगे तो सबका भावार्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। माता स्वा का अर्थ हुआ माता में स्वा, स्वा क्या है मातर का एक सामान्य सार हुआ माता में। अब माता क्या है, एक तो हम लोग माता जानते हैं भाई हम सबकी माता है बिल्कुल ठीक है वो अर्थ भी है अपनी माता में, अब उसकी माता क्या है संपूर्ण सृष्टि की माता तो वो परमेश्वर ही है इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो ये वही कहा कि जो और देवगण सृष्टि आदि हम सब हैं ये तो कहा ना तस्मिन माने उसमें, उसमें अर्थात परमात्मा में, ये तस्मिन परमात्मा के लिए आया है कि उसमें सब कुछ धारण किए हुए है सब कुछ उसी में समाहित है। तो मातृ स्व क्या है, मातृ स्व पढ़ते हैं सामान्यता कि हमारे लिए बता रहे हैं मातृ स्व मातृ अर्थात माता में। अब माता किसे कहा गया है, मां धातु का अर्थ मान करना तुलना करना उनका मान महत्व समझाना, मां मां से लगेगा तो मान बन जाएगा सम्मान बन जाएगा अभिमान बन जाएगा, ये वही मां है उसी मां में त्रि प्रत्यय लगा मात्र बन गया जिसका अर्थ माता हम लोग कहते हैं। माता प्रथम एक वचन में प्रयोग होता है, हम लोग अपनी भाषा में सामान्यता माता को स्वर्ण शब्द के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो माता वही है जो संपूर्ण सृष्टि की माता, तो वो परमात्मा है उसके लिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वही हमारा महत्व देती है मान सम्मान हमारा अस्तित्व उसी से है। स्व पर थोड़ा सा है स्वी धातु का अर्थ गतिवृद्धि होना और स्वस्थ का अर्थ श्वास लेना, तो संपूर्ण सृष्टि में चाहे हम लोग हैं या जैसे मैंने कहा सूर्य है सौरमंडल है आकाश गंगाएं हैं जो भी है बड़े से बड़ा जो भी आप जानते हैं जान सकते हैं, वो कहा गया कि उस माता उस परमात्मा में श्वसन करने वाले जीवन धारण करने वाले श्वसन करना अगर हम माने और स्वी गति करना संपूर्ण सृष्टि गतिशील है, हम सब प्राणी तो गति कर ही रहे हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य अपने सभी ग्रह उपग्रहों के सहित उस महासूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, आकाश गंगाएं भी कहीं किसी केंद्र की परिक्रमा कर रही है, ऐसा हमने तमाम यंत्र उपकरणों से खोज करके जाना है, ऋषियों ने जो ही बता दिया है इतना माथा बच्ची इतने उपकरण तो नहीं थे फिर भी जो भी आपने कहा ध्यान साधना आदि के द्वारा उन्होंने जो कुछ जाना समझा हमको सरलता से बता दिया है। तो यही बताया है कि तस्मिन अर्थात उसमें उस परमात्मा में अपाह संपूर्ण पालन करने वाले जिनसे भी हमारा पालन पोषण हो रहा है जल वायु अग्नि प्रकाश प्रकृति जो भी है, और मातृ स्वा
उस माता परमात्मा में ही गति करने वाली यह संपूर्ण सृष्टि उसी में समाहित है, वही सबको धारण कर रहा है, उसी में सब कुछ है। तो उसमें मुख्य बात यह बताई गई है कि परमात्मा सदा सर्वत्र सर्वव्यापी है, उसको कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए स्थिर है, सदा सर्वत्र है। आप बाकी कहीं पहुंचोगे तो आपसे ज्यादा तीव्रता से वहां मिलेगा, तो आप कह सकते हैं वो मन से अधिक आपसे अधिक सबसे अधिक स्थिर है, मेघवाला है आदि आदि। किसी रूप में ले तो एक काव्यात्मक अलंकारों के माध्यम से ये बताया गया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, संपूर्ण सृष्टि का मूल है, आधार है, संपूर्ण सृष्टि उसी में समाहित है, ये इसका मंत्र का केंद्रीय भाव संकेत संकेत समझना चाहे तो उसका संदेश यही है। इस क्रम में शायद पूरी मंत्र की व्याख्या हो गई आज, तो आगे और कुछ हो तो बढ़ सकते हैं। जी गुरु जी, बहुत अच्छे समझ रहे हैं, धन्यवाद। गुरु जी, यहाँ पर अले जत शब्द का इस्तेमाल किया गया है कंपन रही थी ना, और वहाँ अग्निना शब्द का इस्तेमाल आया था, तो वहाँ कहा गया था गति स्वरूप परमात्मा, और यहाँ कहा जा रहा है कि कंपन रही थी, गति रही थी परमात्मा। आज तुमने रोज तुमको मानते थे कितना अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये प्रश्न तुम्हारे स्तर के अनुकूल नहीं है, किसी और ने पूछा होता तो मुझे अच्छा लगता। यही तो इतनी देर से मैंने समझाया बेटा, तुझे कह रहे हैं कि वो सर्वव्यापी होने के कारण उसके गति के लिए कंपन के लिए कोई अवकाश नहीं है, लेकिन वो सदा सर्वत्र व्यापी होने के कारण आप जहां विभाग का जाए कि आपसे पहले मिलेगा वो मन से भी अधिक वेगवान है। यही तो कहा, ये विरोधाभास अलंकार काव्य सौंदर के माध्यम से उसकी सर्वव्यापकता को बताने का प्रयास है। यही तो विरोधाभास कह रहा है कि देखने में आपको विरोध लग रहा है पर विरोध है नहीं। अग्नि स्वरूप परमात्मा जो है अग्नि धातु से, वो अग्रणी है, वो गतिशील है, प्रगतिशील है, गति का अर्थ जानना पाना पहुंचना सब कुछ है। कहते नहीं तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे, मतलब तुम उसे नहीं समझ पाओगे, उसको नहीं जान पाओगे, समझना कभी भी बोलता है। तो जितने भी कर्तव्यक धातु है, ये बात महत्वपूर्ण होती है, इसको रेखा के अंदर आप सब लोग अच्छी तरह समझ लें, जितने भी कर्तव्यक धातु है, गति के अर्थ वाली धातु है, चाहे कम धातु से हुआ, चाहे अग धातु से हुआ, चाहे चल धातु से हुआ चलना, या इसमें कंपन की बात ही आई तो कंपन में भी गति है, तो जितने भी गति के अर्थ वाली धातु में है, तो उनमें जानना पाना का अर्थ समाहित होता है। जाना चलना का अर्थ तो है ही, वो तो रहेगा ही, तो जाना चलना के साथ साथ जानना और पाना का अर्थ भी समाहित है। परमात्मा गति स्वरूप है, सृष्टि के रूप में वो गति कर रहा है, हम आप गति कर रहे हैं तो वही गति कर रहा है, पृथ्वी गति कर रही है तो वही गति कर रहा है। तो इस प्रकार से ईश्वर तमाम विपरीत गुणों का समुच्चय है, हमको दूर से देखने में वो विपरीत लग सकते हैं, यही तो हमने कहा इसमें विरोधाभास अलंकार। ये आपको संपूर्ण काम में मिलेगा, वेद में तो मिलेगा ही मिलेगा ईश्वर के संदर्भ में, यदि आप लौकिक काम भी पढ़ेंगे उसमें भी इस तरह के विरोधाभास के अलंकार काम चमत्कार मिलेंगे। ये बिल्कुल है, ये काम का गुणा है केवल और कुछ नहीं है। हाँ, परमात्मा के अंदर जैसा कितने गुण हम सोच सकते हैं वो सब उसमें मिलते हैं, तो वो सारे गुण उसमें मिलेंगे। परमात्मा न्यायकारी है तो अन्याय को नहीं कर सकता, लेकिन वो अहिंसा का उपदेश देता है, हमें अहिंसक होना चाहिए, लेकिन दुष्टता इतनी अधिक हो जाएगी तो एक सीमा के बाद वो कहता है भैया हिंसा का हनन करें, तो दोनों विपरीत बातें हो गई। वो अथवर कर्म की बात कर रहा है, हिंसा कर्म की बात कर रहा है, विफल कर रहा है, लेकिन अगर कोई हिंसा पर ही उतार हुआ है तो उसका हनन तो करना पड़ेगा। अब अथवा अहिंसक नहीं रह गए, हमको हिंसा करनी पड़ रही, तो ये विरोधाभास है, विरोध नहीं है इसमें। परिस्थिति के अनुसार ये सारे जो देखने में विपरीत लगते हैं, सही देखने में जब आप उसे गंभीरता से गहराई से समझेंगे तो वो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के अंग है, वो विपरीत नहीं है। तो ये आपको मिलेगा, अग्नि शब्द सर्वाधिक संभवता आया होगा ईश्वर के लिए, वेद में सर्वाधिक शब्द अग्नि ही है, जो अग्रणी होना और प्रगतिशील होना, गतिशीलता को जो है प्रगतिशील होना, प्रोग्रेसिव होना, आगे हर तरह से सोचना, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है बेटा। और जी गुरु जी, अभी चर्चा करते रहेंगे क्योंकि उनके से हमें बहुत आसानी अपेक्षाएं हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो, और जैसा कि हमने कहा है, हम चाहते हैं कि जो वेद भाष्य हमारा अधूरा रह जाएगा उसको पूरा करने का दायित्व संभालो, और वो उत्साह अपने अंदर जगा हो, क्योंकि मैंने कहा मेरे जीवन काल में वेद सर्वेद पूरा नहीं होगा, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, तो हो गया है, बाकी दोनों चल रहा है, करना होगा पता नहीं, तो देखना करना उसको, ठीक है भैया। जी गुरु जी, और किसी को और कुछ कहना हो? गुरु जी, वो नरेंद्र जी ने पहले प्रश्न किया था ना? हाँ हाँ, उनका
वही कह रहे पहले मंत्र जी को बात अगर किसी की हो तो हो जाए, वो तो फिर मतलब संबंधित भी है थोड़ा सा भी है, तो ये लगा के पहले मंत्र की चर्चा हमको पूरी कर ले। इससे पहले कोमल ने कहा जो पहले मंत्र की व्याख्या पूरी हो जाए तो फिर उन चीजों को विचार किया जाए। ठीक है, तो अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो हाँ कोमल कुछ कह रही। जी गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था कि ईश्वर तो अविनाशी है, तो कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ही सृष्टि की उत्पत्ति करता है और वही विनाश करता है, तो जब ईश्वर अविनाशी है तो वह विनाश क्यों करेगा? हाँ, ईश्वर विनाश करता है ये कहना इस अर्थ में बिल्कुल ठीक नहीं। ईश्वर विनाश नहीं करेगा, इस रूप में अगर कहें तो ईश्वर कभी विनाश नहीं करता, सृष्टि भी कहें तो सृष्टि का कभी विनाश नहीं होता। मेरे विचार से मैंने कभी नहीं पढ़ा किसी गंभीर विद्वान किसी गंभीर शास्त्र में कभी ये कहा गया हो कि सृष्टि पूरी तरह विनाश हो जाए। ये तक कुछ लोग कहते हैं, आपने संतों महात्माओं से प्रवचन वगैरह में सुना होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम जिस स्तर की बात कर रहे हैं वहां पर संभवतः ऐसी बात नहीं कही जाएगी। इसे प्रकार की जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, हम आप भी, और एक दिन ये पृथ्वी की भी मृत्यु होगी, एक दिन सूर्य की भी मृत्यु होगी। तो जब सूर्य की मृत्यु होगी तो इसे आप कह सकते हैं सूर्य का विनाश हो गया। तो ईश्वर ने सूर्य का विनाश किया नहीं, ईश्वर ने सूर्य का विनाश नहीं किया, यही तो सृष्टि की प्रक्रिया है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तो ये जन्म और मृत्यु का क्रम सदा चलता रहता है। प्रतिदिन लाखों करोड़ों सूर्य जन्म लेते हैं और मरते हैं। पृथ्वी पर जीवों की बात छोड़ दीजिए, कितने जीव पृथ्वी पर रोज जन्म लेते हैं और मरते हैं, इस ब्रह्मांड में जाने कितने सूर्य रोज जन्म लेते हैं और मरते हैं, ये बात कोई हमारी कल्पना नहीं रह गई है। संत महात्मा लोग आपको चमत्कार के रूप में कुछ बता देते हो, अब तो विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कितने आकाश गंगाएं हैं, कितने अरबों सूर्य हैं, और कहां कहां कैसे प्रति कितने करोड़ों सूर्य जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, सूर्य मरता है तो उसका क्या स्वरूप होता है, उसकी मृत्यु धीरे धीरे किस क्रम से होती है, ये तक आप लोग जानते हैं, पढ़ रहे हैं, सब विद्यार्थी है ना। तो ये जन्म लेने और मृत्यु की प्रक्रिया अनवरत चली आ रही है, इसी को ये भी कहा गया है सृष्टि भी अनादि है। ऐसा किसी समय की कल्पना हम नहीं कर पा रहे हैं जब ये सृष्टि थी ही नहीं, ये सूर्य नहीं था, ये हम बता सकते हैं कि सूर्य की आयु कितनी है, इससे पहले ये सूर्य नहीं था, लेकिन उससे पहले कोई सूर्य नहीं था ये हम नहीं कह सकते। इस सूर्य के जन्म लेने से पहले बहुत सूर्य जन्मे और मर गए, जब ये सूर्य मरेगा उसके बाद भी बहुत से सूर्य सृष्टि में ब्रह्मांड में रहेंगे। तो ये जन्म और मृत्यु की जो अनवरत प्रक्रिया है इसी को सामान्य अर्थ में कह सकते हैं, हम लोग कहते हैं इस व्यक्ति की मृत्यु होगी, स्वाभाविक है, बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, युवा होता है, मृत होता है, मरता है, दूसरे बच्चे तब तक जन्म ले चुके होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस रूप में इसको समझा जाए, वास्तव में वो कभी विनाश नहीं करेगा, कभी नष्ट नहीं करेगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसको पिछले एक बार ध्यान आ गई, इसको मनोरंजन के रूप में सुन लीजिए, जिसे कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना। एक बात ये भी कही जाती है जैसे आपने कहा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो ईश्वर सब कुछ कर सकता है, या हम ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो सब कुछ कर सकता है। चलिए इस पर हम चाहते हैं तो चार लोग कुछ बोले। हाँ या ना, यही सही जी, आपकी वीडियो देखने के बाद पता चला कि ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकता है। ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक, बहुत अच्छे। और कोई कुछ बोलेगा? कर सकता है सर, जब सब जगह है, सब शक्तिमान है तो सब कुछ कर सकता है। चलिए एक बच्चा आपका भी आया, और कोई कुछ बोलेगा? चलिए दोनों बच्चा जी गए, आपने कहा कि सर्वशक्तिमान है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता, आपने कहा भाई वो सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो सब कुछ कर सकता है। तो यही समझने के बाद दोनों बातें हैं कि तुम्हें कह सकते हैं, इसे को विरोधाभास अलंकार ने कहा है। ईश्वर के विषय में ईश्वर अनेक विरोधाभासी गुणों का समुच्चय है, एक अर्थ में वो सब कुछ कर सकता है, ये भी सही है। और अगर हम बहुत उसमें जाएंगे तो एक सीमा के बाद आपको ये भी मानना पड़ेगा कि नहीं, ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर क्या क्या नहीं कर सकता, इस पर कुछ विचार किया जाए। कोमल जी आपको ये बताना चाहेगा कि ऐसे कुछ कार्य को ईश्वर नहीं कर सकता। जी, ईश्वर अपनी तरह दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता, और यदि वे दयालु है तो उन्हें दयाता नहीं दिखा सकता, न्यायकारी है तो अन्याय नहीं कर सकता, और अविनाशी है तो अविनाशी है तो विनाश नहीं कर सकता। तो यही वीडियो देखने के बाद समझ आया। ये आपने हमारा वाला वीडियो इसी संदर्भ में देखा था, ये वाला बता। जी जी, इसी में बताया है। इसी वीडियो में आपको ये बात बताई गई है। जी देखिए, ये वीडियो थोड़ा पुराना होगा, हमने किस रूप में कैसे क्या कह दिया है मुझे तो स्वयं ध्यान नहीं होगा, लेकिन ये बात इसी वीडियो में आपको बताई गई है। अब नरेंद्र जी इस बात पर विचार करके देख ले,
क्या ईश्वर अपने जैसा दूसरा ईश्वर बना सकता है? नहीं बना सकता। इसका है दूसरा ईश्वर तो नहीं बना पाएगा। वो मुंसिफ है, न्यायकारी है, अन्याय तो नहीं करेगा, है ना? तो ये कुछ बातें हैं जो ईश्वर के गुणों के अनुकूल ही है ना। सर्व शक्तिमान होने का अर्थ तो नहीं है कि वो तमाम उल्टे सीधे ऐसे कार्य करने लगे जो उसके कम स्वभाव के विपरीत हो, उस अर्थ में है। लेकिन यही तो ईश्वर की विशेषता है कि वो तमाम विरोधाभासी गुणों का समन्वय है। आप कुछ कह रहे थे, कहिए, कोई बात नहीं। ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है, सर्वत्र भी है, तो दूसरा ईश्वर बनाने की आवश्यकता क्या है? जी ये बस सही है। स्वामी क्या वो आपके साथ अन्याय तो नहीं करेगा? ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो किसी के साथ अन्याय तो नहीं करने लगेगा? नहीं, कोई ताना सा धरती का अत्याचारी राजा तो है नहीं जो करने लगे। ईश्वर अत्याचार तो नहीं करेगा, अन्याय तो नहीं करेगा, अपने जैसा दूसरा ईश्वर नहीं बनाएगा, है ना? ऐसे बहुत से काम नहीं करेगा। तो कुछ लोग जो ऐसा कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, तो अर्थात हम लोगों ने कुछ ऐसी कल्पनाएं कर रखी है जो उचित नहीं है, वेद के विपरीत है, हम कहेंगे असत्य है। लेकिन वो उसके पीछे वो ऐसा कह देते हैं कि भाई ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, तो ये भी कर सकता है। तो उस पर ये प्रश्न रखा गया कि वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसकी सीमाएं हैं। तो जो है कि वो सीमाएं उसने भले ही स्वयं स्वीकार की, किसी और में नहीं थोपी है, ये उसकी सीमा है कि वो दयाल है तो निर्दयता कैसे करेगा, क्रूरता कैसे करेगा, वो न्यायकारी है तो अन्याय किसी के साथ कैसे करेगा। वो ईश्वर तो एक ही है, उसे दूसरा ईश्वर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों बनाएगा? किसी को ऐसे रूप में ले ले कि वो सर्वव्यापक है, वो किसी एक शरीर में सीमित होकर अवतार क्यों लेगा? ये सब दूसरा बनाता है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो अवतार भी ले सकता है। अरे भाई, उसे क्या कुछ करा के आया अवतार लेने की? जो सदा सर्वोदय विद्यमान है, जो जो कुछ करना चाहेगा वो वैसे ही कर लेगा। वो वैसे शरीर के रूप में आए, मनुष्य के शरीर में, किसी के शरीर में, और मनुष्य के जैसे तमाम सब कुछ करे, उसे कितना सब कुछ करने की आवश्यकता ही क्या है? उसकी तो इच्छा मात्र जहां तक आएगा कर लेगा। तो ये इसमें आया था, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात हुई। और अब मैं समझता हूँ किसी के पास कुछ हो तो बताएं, वो नरेंद्र जी का जो मूल प्रश्न था उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करके फिर आज की बात को विराम देंगे। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं कि ईश्वर सृष्टि को क्यों रचना करता है? उसकी उसकी रचना क्यों करता है? देखिए ये प्रश्न आप देखिए कितना गंभीर है। ईश्वर ऐसा क्यों करता है ये बता दे कि सामर्थ हमें कहां से आएगी, है ना? उसने जो कुछ किया है उसे देखकर हम समझने का प्रयास करें और बहुत कुछ समझ लें कि हाँ भाई सच में ये ऐसा ऐसा है और ऐसे ऐसे हुआ है। यहां तक तो किसी हद तक बात समझ में आती है, लेकिन भैया उसने क्यों किया ये तो वही जाने। ये मूल बात है, ये सत्य को हम नकार नहीं सकते। ईश्वर ने क्यों किया है इस पर कोई अटकल लगाने का, अनुमान करने का भी मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से हमें यह अधिकार भी नहीं है कि हम इस पर अनुमान लगाएं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। हमारी सामर्थ्य क्या है भैया? कौन होते हैं इस पर उस सोच विचार करने वाले, निर्णय देने वाले, अनुमान लगाने वाले, तुक्का गढ़ने वाले? ईश्वर ने क्यों किया होगा, है ना? तो ईश्वर ने किया है, उसको अनुमान लगाते हैं। देखो हम उसे वो अकेला था, उसे लगा मैं बहुत रूप में तो हो जाऊं। अरे भाई उसे क्या अवस्था थी? उसे अकेला पर चल रहा था क्या हमारे आपकी तरह कि मैं अकेला हो जाऊं हमारे आसपास हूं? उसे इसकी क्या समस्या थी? तो जो मानते हैं कि सृष्टि की रचना करना जो कहा गया, जैसे भैया ने भी कहा कि भाई वो अन्य है जहां से हमने सुख से प्रारंभ किया, अग्रणी है, गतिशील है, उसका गुणा है, सृजनशीलता वो सविता है, सृजनशील है, सोम है, उसका भी अर्थ सृजनशील होता है। ईश्वर के अनेक नामों का सामने करने की सृजनशील होना है, तो सृजनशीलता ईश्वर का मौलिक गुण है। तो सृजनशीलता उसका मौलिक गुण है, इसलिए वो सृजन करता है। सृजन की प्रक्रिया एक व्यवस्था उसने बना दी है, नियम बना दिए हैं, उसके आधार पर जो कहे कि सृजन होता रहता है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर अपना करता है कि हम इस पौधे की डाली पर यहाँ फूल या फल खिलना है आना है। तो उसने एक प्रक्रिया, एक नियम निर्मित व्यवस्था बना दी है, उसके अनुसार ये सृजन होता रहता है, जो कि सृजन करना उसका स्वभाव है। ध्यान से हम लोगों ने पढ़ा था कि जनक दास से तुम अग्नि भद्रम दृष्ट से सवेत सत्य मंगिरा छोड़ता के जो तुम सबका ये भद्र भला करते हो, ये तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम कोई आसान करके हो गया? कह रहे हैं कि ईश्वर से कि हे भाई, हे ईश्वर, तुम जो हमारा भला करते हो कोई हम पर उपकार करते हो क्या? नहीं, ये तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें करना ही है, करोगे ही, जिसमें हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं करते हो। ये चूंकि ईश्वर का स्वभाव है इसलिए वो हमारा भला करता ही करता। सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना, ऊर्जा देना, ऊष्मा देना, वो देता है, वो हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं करता, ये उसका स्वभाव है। अगर ये सब छोड़ देगा तो सूर्य छोड़ेंगे,
सूर्य कहते हैं इसीलिए है कि उसमें उस मंत्र का देने क्या हुआ है, तभी तो उसे सूर्य कहा जाता है। सूर्य का श्रद्धा भी होता है, ईश्वर को सूर्य भी कहते हैं। सविता कहते हैं उसका अर्थ किस से होता है, सोमकार किस से होता है, वैसे अनेक शब्द मिलेंगे, अनेक ईश्वर के नाम मिलेंगे। तो सृजनशीलता उसका गुण है, मौलिक गुण है, इसलिए वो सृजन करता है, और कोई कारण उसका मेरे विचार से तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ाए जी। मेरा एक प्रश्न था कि जन्म मरण का चक्र जो है वो ईश्वर के वश में है या नहीं? मैंने कहा ना, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, बस इतना ही सत्य है। फिलहाल तो नहीं बात, इस मंत्र में जन्म मरण के किसी चक्र की बात नहीं आई। आप ये ध्यान रखें, मंत्र पर सीमित रहे। मैंने बिल्कुल आपको बताया कि जो इस तरह के दार्शनिकों के प्रश्न है उन पर अभी बच्चे ना बच्चे, वो अभी आपके कोमल मन के अनुकूल नहीं है। कोमल मन मस्तिष्क आपका इतना बड़ा बोझ उठाने के अनुकूल नहीं है कि पेदायन कम से कम पूरा हो जाने दीजिए। आप इतने परिपक्व हो जाए तो उस पर चर्चा करें। अभी मैंने आपको इतना बताया कि ईश्वर सृजनशील है, इसलिए सृजन होता है, उसने प्रक्रिया व्यवस्था बना दी है, नियमों के अनुकूल सृजन होता है, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। वो चाहे जीव हो या निर्जीव हो, पृथ्वी हो या सूर्य हो, आकाश भी मरेगी, मृत्यु होनी है। अब इसे आप चक्र कहें तो ये चक्र तो है, जीवन जन्म और मृत्यु का ये चक्र अनादि काल से अनंत काल तक चला रहा है। ये ईश्वर की बनाई हुई एक व्यवस्था नियम के तहत हो रहा है। वो एक एक को ये नहीं तय करता है कि आज इस जीव को मरना है, आज इस पृथ्वी को मरना है, आज इस सूर्य को मरना है। वो ऐसा कोई खाता नहीं करता, नहीं करता कि भैया आज इस सूर्य को मरना है और आज इस सूर्य को वहां जन्म लेना है, आज इस जीव को यहाँ मरना है, आज इस जीव को वहां जन्म लेना है। ऐसा कोई ईश्वर एक एक व्यक्ति एक एक वस्तु को नहीं सोचता, उसने एक नियम व्यवस्था बना रखी है, उसके तहत होता रहता है। जो मानकर चले फिलहाल नहीं कहेंगे, इसी को वेद में रथ व्यवस्था कही गई है, इस पर कुछ चर्चा आई है, रंग में कहीं समझा जा सकता है ना। बाकी ज्यादा कुछ हो जो इसका समापन कर सकते हैं। अरे जी, चाहे आप अपना प्रश्न एक बार दोहरा लीजिए। जी, तो आपने इस मंत्र में बताया था ईश्वर सर्वव्यापी है जी, तो फिर हमें उन्हें समझने या प्राप्त करने के लिए मंदिर जाने की क्या जरूरत है, ध्यान लगाने की या समाधि लगाने की? क्या अगर हमें उन्हें जानना ही है, उनके पास जाना ही है, तो फिर सब जगह ना, इवन मैं जहाँ बैठा हूँ इस मोबाइल में, लैपटॉप में, सब नहीं होंगे। बिल्कुल है, ईश्वर सर्वत्र है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। ईश्वर के लिए मंदिर जाने को कोई आवश्यकता ही नहीं है, और वैदिक संस्कृत में मंदिर कहीं है ही नहीं, न वेद में मंदिर है। वेदों से लेकर उपनिषदों तक जो लोग बोलचाल में कह देते हैं चार वेद छह शास्त्र में है, तो चार वेद छह शास्त्र में तो कहीं मंदिर नहीं है, उपनिषदों में कहीं मंदिर नहीं है, और आप देख लें रामायण महाभारत तक कहीं मंदिर नहीं है। ये मंदिर तो आपने पता नहीं कौन कहां से लेकर आ गया। यदि हम ऐतिहासिक भौगोलिक जानकारी की बात करें तो मंदिर भारत में नहीं होंगे, पुरातत्व विभाग के उत्खनन में मंदिर अन्य देशों में मिले हैं, भारत में नहीं मिले। हम क्षमा चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, इसीलिए हम इन प्रश्नों को यहां नहीं उठाना चाहते। मैंने कहा नहीं, बच्चे अभी कोमल मन के हैं, उनको आघात न लगे, वो तमाम आस्था भावना लिए बैठे हैं। तो ये सत्य है कि मंदिर नवीन कल्पना है, भारत के लिए बहुत नई बात है। कुछ अन्य देशों में दो हजार साल पुराने मंदिर मिल जाएंगे, कहीं 2,500-3,000 साल पुराने मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन भारत में मंदिरों की आयु को 1,000 वर्ष से बहुत अधिक नहीं है। जब तक भारत का विदेशियों से संपर्क नहीं था, विदेशी भारत में घुसपैठ नहीं किए थे, तब तक भारत में मंदिर नहीं थे, ये हमको मानकर चलना चाहिए। अर्जुन ने पूरे देश में घूम घूम कर कितने सारे विवाह किए, बेचारा किसी मंदिर में आशीर्वाद लेने तो नहीं गया। मतलब इस तरह के उदाहरण देने लग जाएंगे तो समय हो जाएगी, तो थोड़ा सा अगर आप गंभीरता से विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि जो भी उपनिषदों से लेकर रामायण महाभारत तक आपको कहानियां भी मिलती है, वहां घटनाएं भी है, कृत्य भी है, उनका भ्रमण भी है, कहीं मंदिर नहीं है। हमारे यहाँ ऋषियों के आश्रम होते थे जहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे, हमारे यहाँ जो कह लें विद्यालय होते थे, तथित देवालय नहीं होते थे, विद्या के मंदिर होते थे, तथा तथित देवी देवताओं के मंदिर नहीं होते थे। जो कि ईश्वर तो सर्वत्र है, उसे स्वाध्याय से क्या ना समझा जा सकता है।
उसके लिए किसी मंदिर की आवश्यकता वैदिक संस्कृत में कभी अनुभव नहीं हुई, ये तो बिल्कुल सत्य है। मेरे विचार से आपकी बात पूरी हो जानी चाहिए यहाँ पर। क्यों तो भाई,